हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन भाई। मैं हूँ आपका होशारल और आप देख रहे हो बिस्टन भाई चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। सॉरी गाइस वीडियो लेट है एंड बहुत सारे वीडियो मेरे पास है बट मैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए। बट ये इलाइट पास सीजन 15 का इलाइट पास है तो ये रिव्यू देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए हो। तो ये है इलाइट पास 15। मेरे हिसाब से जब से गेरेना एक एक इलाइट पास ला रहा है तब से मतलब इलाइट पास मतलब ख़राब ही हो रहा है। मतलब डिज़ाइन बैनर वगैरह वगैरह सब मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो यहाँ पे बैनर देख सकते हो, बैनर आपको मिल जाएगा एंड एयर ड्रॉप 5 है, एयर ड्रॉप मिल जाएगा। ऊपर से बैनर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड लूट क्रेट की बात की जाए तो ये थोड़ा यूनिक है, हाँ इसमें थोड़ा चेंज लग रहा है लेकिन हाँ अच्छा है। लूट क्रेट थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, सही है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो धीरे धीरे जो हमारा पहले का इलेट पास और अभी का इलेट पास में अगर मैच किया जाना तो बहुत रात दिन का अंतर होगा। ड्रेस भी बात की जाए तो ड्रेस ज़्यादा खास नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ड्रेस का बात की जाए देख सकते हो अजीब सा यार इसका कोई मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसा है ये, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को मतलब ये ड्रेस मुझे एकदम पसंद नहीं आया, सच में एकदम पसंद नहीं आया। और रही बात इस ड्रेस का, कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है। आप देखो ध्यान से, मतलब जैसे लग रहा है कि पूरा भंगार है, एकदम भंगार मतलब कचरे से उठा के ला के पटक दे रही थी। कोई डिज़ाइन नहीं है ड्रेस का। आप बताओ, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में बताना कि फीमेल ड्रेस आपको कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि इस ड्रेस का आप देखो ध्यान से ना, इसमें सही से कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे तो कसम से एकदम अच्छा नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाउंड्री टोकन है एंड एक्स ये क्या कहते हैं बूस्टर है बाकी, और बॉनफायर, और ये रहा स्केटबोर्ड। तो स्केटबोर्ड की बात की जाए तो स्केटबोर्ड आई थिंक सही है, लेकिन आप अगर देखा जाए तो गेरेना को इन फ्यूचर और इसमें थोड़ा अपडेट और सही लाना चाहिए था। जैसे कि मतलब अभी गेम भी जैसे इम्प्रूव हो रहा है, गेम का स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, गेम जैसे नाम कमा रहा है, ऐसे इलाइट पास भी अच्छे अच्छे बनाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो गेम जितने गेम ऊपर उठ रहा है उतना के इलाइट पास नीचे गिर रहा है, और गेरेना तो लूट ही मचा रहा है और कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हायातो का कुछ एबिलिटीज़ और कैरेक्टर अपडेट करने का यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कार्ड, और ये UPA के कौन सा गाना है मैं भूल ही गया, PM5 होगा शायद, हाँ PMP5 ना क्या है वो है। तो इसका स्किन आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल से गाने स्किन है, परमानेंट आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे स्किनर मिल जाएगा 24 आवर्स के लिए, कुछ टी शर्ट, और यहाँ पे गोल्ड और पैराशूट। तो ये मतलब आप देखा जाए तो ये भी लाइट पास मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, क्योंकि अगर बात की जाए इन फ्यूचर अगर गेम ऊपर उठ रहा है तो गेम के साथ साथ इलाइट पास भी इतना अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। अगर पहले ही इलाइट पास की बात करें तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इलाइट पास भी इतना बेकार हो रहा है। तो पैराशूट भी मुझे खास नहीं लग रहा यार, आप ही देखो कितना अजीब टाइप का लग रहा है। और ये देखो टी शर्ट देखो, सॉरी कपड़ा देखो फीमेल का, तो फीमेल का कपड़ा भी इतना भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें मतलब मैं ज़्यादा जजमेंट नहीं करूँगा, गेरेना का रूल्स है, वो लोग खुद बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे तो उनको हिसाब से बनाने दो। बट आपको इसमें देखना है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा है इस बार का इलाइट पास। सीज़न 15 का ही है, ठीक है। तो सीज़न 14 तो अभी आया है और सीज़न 15 का ही है। तो ये रहा कुछ बैनर भी खास नहीं है, क्या अजीब सा मतलब सब येलो हो चुका है सब। और यहाँ पे गोल्ड बाउचर डायमंड बाउचर मिलेगा एंड बैकपैक देखो आप, बैकपैक वाह वाह रे वाह, नहीं बैकपैक देख के दिल भर गया कसम से, क्या बैकपैक है, हाय रे मतलब क्या बोलूँ मैं गाइस, मतलब कैसा बैकपैक है ये। बैकपैक तो मुझे फ्री में मिल जाता है यार अभी का, तो इससे अच्छा ना इवेंट में जो बैकपैक दे रहा है ना वही अच्छा है, इवेंट्स में जो बैकपैक दे रहा है ना वही अच्छा है। इस बैकपैक से तो अच्छा आप इवेंट्स में जो कलेक्ट करके इवेंट्स में एक्सचेंज करना होता है ना वो बैकपैक अच्छा है इससे, कि ऐसे घटिया बैकपैक तो मुझे चाहिए ही नहीं भाई, ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड यहाँ पे देखा जाए तो एयर ड्रॉप और रिसप्लाई और सॉरी एयर ड्रॉप और ये रहा हमारा स्केटबोर्ड, ये भी चमकीला चमकदार मतलब
चमकाते रहो गरीना वाले, चमकाते रहो, बाकी कुछ नहीं, चमकाते रहो। मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, तो साउंड अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हेडफोन लगा के सुन लो गाइस, माफ़ कर दो इसके लिए। एंड यहाँ पे बॉनफायर और M4A1 का घटिया सा स्किन, M4A1 का घटिया सा स्किन, जिसके पास नहीं है उसके लिए सोना है, जिसके पास है ऑलरेडी इसके लिए ये घटिया सा स्किन होगा, कैसा अजीब टाइप का दिखा। एंड बाउंटी टोकन 5 और यहाँ पे गोल्ड वाउचर 1, 15500 डायमंड जो गोल्ड, और ये रहा हमारा इमोट। सही बताया जाए तो इमोट सही है, छोड़ो इमोट की तो बात की जाए तो सही है। हल्क वाला, हल्क में जो पावर आता है ना, आने के बाद जमीन खोद देता है, तो कुछ इस तरह का ही है, तो हल्क का पावर इसके अंदर आ गया, तो इमोट सही है। इमोट के ऊपर मैं कुछ जजमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इमोट अच्छा है, इमोट मेरे लिए सही है और आपके लिए भी सही है। तो ये रहा बैनर, और बैनर के साथ यहाँ पे कुछ अगर देखा जाए तो बैनर भी पूरा येलो येलो है और सोने का कलर जैसे ही है, और बाकी कुछ नहीं है। और इमोट सही बोले तो सच में सही है इमोट। एंड पीछे जाके देखे तो हमारा जो अभी मैंने जो दिखाया है, जितने भी सामान है यहाँ पे अगर बात की जाए पहले से ही, मुझे एक भी चीज़ यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। देखो आप ध्यान से देखो, कपड़ा ये वो ये सब, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं। बस ये इमोट को छोड़ के बाकी सब चीज़ मुझे एकदम फालतू लग रहा है, और कुछ कुछ ये जो वगैरह वगैरह है ये चीज़। एंड ये डायमंड वाउचर कुछ काम के होंगे, और ये इमोट और ये गोल्ड स्टोन काम के होंगे और कुछ नहीं। बाकी आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, अभी जो लोग इलाइट पास नहीं खरीद रहे ना, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बैग देखो ऊपर है कोने पे फ्री में, मतलब वो लोग अगर 225 इलाइट पास कंप्लीट कर लेते तो ये इनको बैग मिल जाएगा। तो जो लोग इलाइट पास नहीं मिल रहे ले रहे ना, उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इस बैग का आइडिया है ना, बिच्चू जैसा है, बिच्चू ही है ये, रिमेंबर कि ये बिच्चू है, आई थिंक यहाँ ये बिच्चू ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिच्चू है, देख लो ठीक है। तो बिच्चू है, तो बिच्चू का बैकपैक बना दिया गरीना वालों ने। कल का हाथी का भी मिल जाएगा और डायनासोर का भी मिल जाएगा, डायनासोर तो है सॉरी, तो सारे एनिमल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, टेंशन मत करो ठीक है। तो ये लेवल 2 का देख लो, लेवल 2 का भी अजीब टाइप का बिच्चू, इसका कलर भी मतलब सही से नहीं किए, वाह अरे वाह गिरना वालों, डायमंड तो खचा खच लूट रहे हो, पैसे तो दमा दम लूट रहे हो, बिजनेस तो अच्छे कर रहे हो, कम से कम इलाइट पास जो दे रहे हो कम से कम ढंग का तो दे दो। पहले कितने सारे इलाइट पास गए, कितने अच्छे अच्छे थे, अभी जब जब गेम इंक्रीज होता जा रहा है तो आप लोग इलाइट पास को इतना गंदा क्यों कर रहे हो। देखो ये फीमेल का ड्रेस देखो, जैसे लगता है भंगार से उठा के इधर पटक दिया, भाई क्या है ये, बिच्चू माना कि बिच्चू टाइप का है, लेकिन थोड़ा इसमें फॉरएवर देना चाहिए था ना यार, देखने में भी मज़ा आया, ये कैसा टाइप का दे दिया। मैं तो कुछ मतलब बोलूँगा नहीं गाइस, आप लोग के ऊपर बोलना है, आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इस बार का इलाइट पास जो मतलब सीजन 15 का इलाइट पास कैसा लगा। बाद में मैं आप लोगों का कमेंट देख के मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, अगर जिसको भी अच्छा लगा और जिसको भी अच्छा नहीं लगा ठीक है। इन फायदे की बात क्या है, यहाँ पे जो लोग इलाइट पास नहीं खरीदेंगे उसके लिए बैग अच्छा वाला है, तो ठीक है, तो देख के खरीदना यार, नहीं खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और माफ़ कर दो यार वीडियो लेट हो रहा है, क्योंकि बता नहीं सकता बट कुछ रीजन्स है जो मैं वीडियो ठीक से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस वहाँ पे बेल आइकन नोटिफिकेशन में दबा के रखना, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करके दे दूँ। एंड ये इलाइट पास का वीडियो दूसरे यूट्यूबर का है, तो मैं उनसे ही लिया हूँ, एंड वहाँ पे इंडोनेशिया का सर्वर का ही है, एडवांस सर्वर में है, तो यहाँ पे देख सकते हो 24 आवर्स के लिए है अभी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके, तो एज यू नो नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। ना गली से ना मोहल्ले से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी ऊपर भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना दौड़ाया रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से भटके जो लेते झड़प में तल्ला हटा वट्टा ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने, हाँ थार, भो थार, क्या?